हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा मैं लेके आ गया हूँ, वो है उसका खुद का आर्किटेक्चर। एक बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर आपके सामने बोर्ड पे मैंने उपस्थित कर दिया है और उसको समझाने वाला भी आपके सामने उपस्थित है। यहाँ पे दोस्तों सारी बातें, तमाम बातें जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हो, अपनी तरफ से ज्यादा ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे मेरी रहने वाली। तो भैया बात चल रही है आर्किटेक्चर की। भैया अगर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे जो सवाल है उनके अगर जवाब प्राप्त करने हैं तो आर्किटेक्चर इज द बेस्ट वे, और यहां पे वो मैंने बना भी दिया है। अब यहां अगर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं इस आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ, वो ये है कि यहां पे ये दो भागों में बटा हुआ है। मतलब यहां पे आप देख सकते हो टू पार्ट्स आर देयर। सबसे पहला भैया ये वाला जो एंड है, दिस एंड, इस एंड को अपन बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ये वो एंड है जो यूजर की तरफ होगा, जो यूजर या फिर जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी सर्विसेज यूज करने की, कंज्यूम करने की कोशिश जो कर रहा है, ये उसकी तरफ का एंड है भैया, फ्रंट एंड है। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, देखो नाम में ही लिखा हुआ है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे वो तमाम सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी जिसके थ्रू यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है, जो यूजर है, वो कोई भी एक्सेस मांग सकता है किसी भी रिसोर्स का, सर्विस का, जो भी चाहिए होगा वो आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है। ये तमाम बातें यहाँ पे मौजूद होंगी। इंटरफेस होगा, GUI प्रोवाइड यहाँ पे करवा दिया जाएगा यूजर को, ताकि वो बड़ी आसानी से आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाए और जो भी उसको चाहिए वो डिमांड रख सके सामने। ठीक है, तो ये तो तमाम बातें यहाँ पे हो गई। अब आते हैं भैया दूसरा वाला जो एंड है, ये है भैया बैकएंड। ये है बैकएंड, मतलब पीछे क्या कहानी चल रही है भैया, ये पीछे सारी कहानी चल रही है। ओके, अब ये एक एक करके इन सारी चीज़ों को जो है अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यार ये बैकएंड के बारे में जानते हैं। फ्रंट एंड बोला अपन ने, क्लाइंट वाली साइड से कंसर्न्ड है। बैकएंड क्या होता है? बैकएंड इज कंसर्न्ड वेयर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडर। जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, बैकएंड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो इनको सर्विस देने वाले हैं, दैट इज प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पे बहुत सारी तमाम बातें जो है उनको एक एक करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो सर्विसेज की जब बात निकलती तो भैया आस पास और सास, ये तो तीनों आते ही भैया। और ये क्या है, ये तीनों क्या है भैया, इनको मैंने बड़े ही आसान लफ्जों में एग्जाम्पल के साथ तीन वीडियोज में बताया हुआ है। अगर वो तीन वीडियो आपने नहीं देखे, आस पास सास सर्विसेज के बारे में आपको नहीं पता, तो भैया डिस्क्रिप्शन में क्लाउड कंप्यूटिंग इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको विजिट कीजिए और सारे सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। बड़े ही रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैंने वो चीज़ें समझाई है। तो यहाँ हम उनकी बातें करते हैं, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग यू नो बात कर रहे हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे क्लाइंट्स को पड़ सकती है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, सो उनको एक्सेस देना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भैया आपका यही काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं स्टोरेज के ऊपर। देखो यार जैसा नाम है वैसे ही काम है, स्टोरेज। ओके, अब यहाँ पे क्या स्टोर करना है? डेटा, ऑब्वियस ही बात है, डेटा। नाम में देखो आप क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग। अगर आपको कंप्यूटिंग कैरी आउट करना है तो डेटा जो है भैया जान है, सोल है। तो यहाँ पे डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, उसके लिए एक ह्यूज कैपेसिटी यहाँ पे एलोकेटेड होती है बैकएंड में, स्टोरेज यूनिट में। ठीक है दोस्तों, बैकएंड में अगला यूनिट जो आता है वो है सिक्योरिटी। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यार, देखो बड़ा कमाल का एग्जांपल है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा, बहुत शानदार घर है। ओके, और उसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ें, मतलब यू नो डायमंड की ज्वेलरी, प्लैटिनम की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी। ओके, आपने है ना बड़ी तमाम बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो भी आपके घर के अंदर आपने रखी हुई है एक तरीके से, और बहुत ही एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट। मतलब भैया बड़ा खर्चा कर रखा है आपने इन सब चीज़ों में, क्वालिटी चीज़ों को अपने घर में रखने में। ठीक है, तो ये एक बात आपकी समझ में आ गई यहाँ तक। अब अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो बड़ी कमाल की है। वो ये है कि वो जो पूरा घर है जिसके अंदर आपने इतनी सारी क्वालिटी चीज़ें रखी हुई है, उस घर को दरवाज़ा ही नहीं है, उस घर को खिड़कियाँ ही नहीं है, उस घर के सामने कोई गाड़ी खड़ा नहीं है, उस घर में कोई CCTV कैमरा ही नहीं है। तो मुझे बताइए इतनी सारी क्वालिटी चीज़ों को वहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा भी है? ओके, कोई ट्रस्ट करेगा? सही बात है कि नहीं? तो कोई फ़ायदा ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया सर्विसेज, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़िया ले रखी है,
मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है आपका, ये तमाम बातें आपने क्वालिटी चीजें यहाँ पे जमा कर रखी है, बट अगर आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ही इंप्लीमेंट नहीं किए तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा अगर आपके सिक्योरिटी में कुछ कमी होगी या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स उतने बेहतर नहीं होंगे। अगला यूनिट जो है बैकएंड का, इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी जानना है भैया। देखो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, मतलब कुछ बेसिक बेसिक एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो हैं जो बहुत जरूरी है भैया क्लाउड में, वो आपको यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं यार, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, आपके वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिल जाएंगे, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक एंटिटी, बहुत ही बेसिक एलिमेंट है आपका क्लाउड का, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भैया ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट जो बैकएंड में आपने को दिखाई दे रही है, सीआर क्या है। सीआर क्या है? बेसिकली इट इज सिंपल क्लाउड रन टाइम। अब ये क्लाउड रन टाइम का मामला क्या है, फंडा क्या है? बड़ा सिंपल है यार। देखो यहां पे ये जो क्लाउड रन टाइम है, ये क्या देने की कोशिश कर रहा है, क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे पहला सवाल है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, ये क्या दे रहा है, आपका जो एक रन टाइम प्लेटफॉर्म कह सकते हो या फिर एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट आप कह सकते हो, ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है क्लाउड रन टाइम। जैसे कि उसके नाम में भी रन टाइम ये जो वर्ड है वो मौजूद है। सो इट इज सिंपली ट्राइंग टू प्रोवाइड अ रन टाइम या फिर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। किसके लिए, किसके लिए भाई? वर्चुअल मशीन्स के लिए। सो वर्चुअल मशीन के लिए भैया ये काम यहाँ पे अपना कर रहा है कौन? सीआर, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे एंटिटीज एलिमेंट्स से रूबरू करवा दिया है। अब इन सबको मैनेज करना, इन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लगाना, ये सारा जो तमाम काम है ये मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है, इस मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू यहाँ पे बैकएंड में हो रहा होता है। ठीक है, अब भैया ये फ्रंट एंड बैक एंड तो जान लिया, अब ये बीच में एक चीज़ फंसी हुई है, वो क्या है? बेसिकली ये जो चीज़ है उसका नाम है इंटरनेट। इसका नाम क्या है? इंटरनेट। अब इस इंटरनेट के थ्रू क्या होता है ना, ये फ्रंट एंड और बैक एंड जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते हैं मतलब क्या, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ये, बराबर है कि नहीं? एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? ये एक तरीके से ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये एक शहर है, ये दूसरा शहर है, इसके बीच में बना दिया ब्रिज, तो ये आवन जावन जो है, कम्युनिकेशन जो है, इंटरेक्शन जो है, ये बना रह सकता है। तो इट इज नथिंग बट इंटरनेट। सो आई होप दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी मदद हो गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।